देश आज विजयदशमी का पर्व मना रहा है। हम भी अपने शो की शुरुआत इसी खबर के साथ कर रहे हैं। वजह सियासत में धर्म और पर्व नहीं, बल्कि सियासी बुलेटिन में प्रधानमंत्री के उस संकल्प से देश को रूबरू कराना है जो हर हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री आज दिल्ली में द्वारका में रामलीला मैदान पर पहुंचे, रावण दहन किया और इस दौरान उन्होंने आज लाख टके की बात की है। या यूं कहें कि एक संकल्प जो पूरे देश के साथ मिलकर लिया गया, क्या वो संकल्प है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। तो पहला संकल्प आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए पानी बचाना है। दूसरा संकल्प डिजिटल लेन देन के लिए लोगों को प्रेरित करना है। इसके अलावा तीसरा संकल्प गांव और शहर स्वच्छता में सबसे आगे जाएंगे, ये संकल्प भी लिया गया। और चौथा संकल्प लिया गया ज्यादा से ज्यादा वोकल फॉर लोकल को फॉलो करेंगे। पांचवा संकल्प हम क्वालिटी काम करेंगे। छठा संकल्प पहले अपना पूरा देश देखेंगे फिर विदेश जाने के बारे में सोचेंगे। सातवां संकल्प प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करेंगे। और आठवां संकल्प सुपर फूड मिलेट्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करेंगे। नौवां संकल्प योग स्पोर्ट्स या फिर फिटनेस को प्राथमिकता देंगे। और दसवां संकल्प हम कम से कम एक गरीब परिवार का सदस्य बनकर उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर बढ़ाएंगे। संकल्प आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएं। दूसरा संकल्प हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करें। तीसरा संकल्प हम अपने गांव और शहर को स्वच्छता में सबसे आगे जाएंगे। नवा संकल्प हम सब व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए योग हो, स्पोर्ट्स हो, फिटनेस को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। और दसवां संकल्प हम कम से कम एक गरीब परिवार के घर का सदस्य बनकर उसका सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ाएंगे। अन्याय पर न्याय की विजय, अहंकार पर विनम्रता की विजय और आवेश पर धैर्य की विजय का पर्व है। ये अत्याचारी रावण पर भगवान श्री राम के विजय का पर्व है। अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हिंदुस्तान के सियासी इतिहास में आपने इससे पहले यूपी के सिवा कहीं और नहीं देखी होगी। यूं तो हर मुख्यमंत्री के अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब महंत रूप में दिखते हैं तो ये पल अपने आप में बहुत खास हो जाता है। यानी एक सीएम का भक्ति और शक्ति साधना के साथ ही कर्मपथ पर अड़िग होकर चलने का ऐसा संयोग और संगम जो योगी आदित्यनाथ को बनाता है सबसे खास और सबसे अलहदा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं, ये महंत योगी आदित्यनाथ हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर, संत, सन्यासी, नाथ संप्रदाय के दंडाधीश्वर के रूप में एक मुख्यमंत्री का ऐसा रूप जिसे कहीं और कभी और नहीं देखा होगा, जैसा गोरखपुर में यूपी के लोग बीते 6 साल से देखते आ रहे हैं। अधर्म, असत्य और अन्याय
पर विजय के फलस्वरूप उन्होंने इस धराधाम पर जिस रामराज्य की नींव रखी थी उसका स्मरण करते हुए उन मार्गों को अंगीकार करने के लिए संकल्पित हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है, जहां सुबह से ही तमाम सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम चल रहे थे। कन्या पूजन से लेकर शहर में शोभा यात्रा तक अलग अलग वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग रूप और अलग अलग रोल में नजर आए। चूंकि सीएम योगी गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, इसीलिए उनकी इससे जुड़ी कई जिम्मेदारियां हैं। सीएम योगी को इस रूप में देखना एक अलग ही अनुभव है और यही उनके साधना से शक्ति तक का केंद्र है, जो दूसरे राजनेताओं से उन्हें सबसे अलग सबसे खास बनाता है। नाथ परंपराओं का निर्वहन करते हुए प्रातःकाल सर्वप्रथम उन्होंने श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना की, गुरु गोरखनाथ की आरती कर आशीर्वाद प्राप्त किया, फिर शुरू हुए आगे के कार्यक्रम। सबसे पहले सुबह के वक्त महंत योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में एक अलग ही दंडाधिकारी की भूमिका में नजर आए, जहां संत समाज से जुड़ी समस्याओं को सुना और उसका समाधान निकाला। ये उसी पल की कुछ झलकियां हैं। पात्र पूजा की परंपरा में गोरक्ष पीठाधीश्वर पात्र देवता के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। नाथ पंथ से जुड़े साधु संत और पुजारी दक्षिणा अर्पित कर उनकी पूजा करते हैं। अगले दिन उन्हें विदाई स्वरूप ये दक्षिणा वापस कर दी जाती है। पूजा के बाद पीठाधीश्वर दंडाधिकारी की भूमिका में आ जाते हैं और संतों की शिकायतों की सुनवाई करते हैं। परंपरा के मुताबिक पात्र देवता के सामने झूठ नहीं बोला जाता। दंडाधिकारी की भूमिका का निर्वहन करते हुए महंत योगी आदित्यनाथ ने कुछ संतों को उनके कृत्यों के अनुसार दंड भी सुनाया, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। गोरख पीठाधीश्वर बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ अपनी दोहरी भूमिका को बखूबी निभाते रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो इस जिम्मेदारी को पूरी संजीदगी से निभा रहे हैं। प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था को मैं व्यक्त कर सकूं और सनातन धर्म को इसके माध्यम से पुष्ट कर सकूं, मजबूत कर सकूं। सामाजिक ताने बाने और समरसता को मजबूत करती गोरखनाथ पीठ से हर साल विजयदशमी पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। ठीक उसी तरह इस बार भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। गोरखनाथ मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा पूरी भव्यता के साथ निकली, जिसका समापन मानसरोवर स्थित रामलीला मैदान में हुआ। सुरक्षा के लिहाज से गोरखपुर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, तो शहर के लोगों की नजर गोरक्ष पीठाधीश्वर पर थी। महंत को मुख्यमंत्री के रूप में तो हर दिन लोग देखते हैं, पर खास दिन होता है जब मुख्यमंत्री महंत के रूप में नजर आते हैं। ये उसी की तस्वीरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ২০২৪ का चुनावी चक्रव्यूह तैयार है और इस चक्रव्यूह में सबसे पहले फंसे हैं इनडी गठबंधन के दो अहम दल कांग्रेस और सपा। अखिलेश यादव के चिरकुट वाले बयान और पीएम वाले पोस्टर से समाजवादी पार्टी ने जो ट्रेलर दिखाया, उसके जवाब में कांग्रेस नेताओं ने अखिलेश यादव को पूरी फिल्म ही दिखा दी। प्रमोद कृष्णम से लेकर प्रमोद तिवारी तक और पहले अजय राय के बयानों से अब साफ हो गया है कि इनडी गठबंधन का अनौपचारिक दी एंड हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान ही बाकी है। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए दोनों दलों में पैदा हुए मनभेद को आपको समझा देते हैं। अखिलेश ने कहा था कि हम कांग्रेस से गठबंधन को तैयार हैं, लेकिन अब प्रमोद कृष्णम का यह कहना है कि उसूलों से समझौता कर कांग्रेस कभी भी गठबंधन नहीं करती है।
अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस मदद मांगेगी, जरूरत होगी तो हम बीजेपी को हराने में मदद करेंगे, लेकिन अब कांग्रेस नेताओं ने साफ कर दिया है कि पार्टी यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश ने यह भी कहा था कि हम मदद से इनकार नहीं करेंगे, यानी गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे, लेकिन कांग्रेस नेता ने अब साफ कर दिया है कि हमें यानी कांग्रेस को धमकाने वालों से गठबंधन का सवाल ही नहीं बनता है। फूलों की आहुति देकर के हम गठबंधन नहीं करना चाहते कि चुनाव आते आते गठबंधन जो इंडिया नाम से बना है, जिसका वैचारिक रूप से सैद्धांतिक रूप से कोई एक रूपता नहीं है, कि हम इस गठबंधन महागठबंधन में ही नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये चुनाव से पहले टूटना तय है। अगर कोई पार्टी कांग्रेस को धमकाना चाहती है, कोई पार्टी ये सोचती है कि उसके बिना कांग्रेस नहीं लड़ सकती है, तो हम 80 की 80 लोकसभा सीटें अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। पहले सीएम भी बन गए थे 2022 में, विभाग भी बट गए थे, तमाम लोगों की नियुक्तियां भी चीफ सेक्रेटरी से लेके बहुत सारी हो गई थी, ये परिणाम सामने आया तो क्या हुआ सबको पता, देश जानता है। ये वार है अखिलेश पर मंत्री जयवीर का। सपा के गढ़ से बीजेपी अखिलेश को ललकार रही है, तो साथ ही गठबंधन वाली कांग्रेस सपा पर ताने मार रही है। गठबंधन जो इंडिया नाम से बना है, जिसका वैचारिक रूप से सैद्धांतिक रूप से कोई एक रूपता नहीं है, वो चुनाव आते आते छिन्न-भिन्न हो जाएगा। सीएम भी बन गए थे 2022 में, विभाग भी बट गए थे, तमाम लोगों की नियुक्तियां भी चीफ सेक्रेटरी से लेके बहुत सारी हो गई थी, ये परिणाम सामने आया तो क्या हुआ सबको पता, देश जानता है उत्तर प्रदेश का परिणाम क्या आया। और मैं समझता, यानी अखिलेश ने चिरकुट वाला बयान क्या दिया, बखेड़ा थम ही नहीं रहा। कांग्रेस नेता तो अखिलेश को उनकी ताकत का एहसास कराने पर आमादा हो गए। नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में एक गठबंधन खड़ा हो, लेकिन उसूलों की आहुति देकर के हम गठबंधन नहीं करना चाहते। अगर कोई पार्टी कांग्रेस को धमकाना चाहती है, कोई पार्टी ये सोचती है कि उसके बिना कांग्रेस नहीं लड़ सकती है, तो हम 80 की 80 लोकसभा सीटें अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि सब साथ मिलकर लड़ें। ठीक। मगर इस बात को कोई कांग्रेस पार्टी की कमजोरी ना समझे। वार एक तरफा नहीं चौतरफा है, सियासत के सेंटर में अखिलेश हैं, लेकिन समर्थन नहीं शब्द बाढ़ के सेंटर में। पहले बीजेपी ने घेरा, फिर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने खुलकर ललकारा, और अब बीएसपी के तेवर भी सुनिए जो अखिलेश को चुभने तय हैं। मैं तो पहले भी कहते आया हूँ कि हम इस गठबंधन महागठबंधन में ही नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये चुनाव से पहले टूटना तय है। जहाँ तक अखिलेश जी की बात है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने उनकी वो अखिलेश वखिलेश कह के जो बेइज्जती करी है, तो उनके लोगों का इस तरीके का रिएक्शन ये स्वाभाविक है। और देश में 6.5 करोड़ के करीब वोट मिला उनको उत्तर प्रदेश में जो MLA के चुनाव हुए, और हमें 13.5% कुमारी बहन मायावती जी को और हमको 13.5% वोट मिला। हमारा भी बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में जनाधार है, कांग्रेस का कुछ जनाधार उत्तर प्रदेश में है नहीं। यानी इंडी गठबंधन में एक बड़ी गांठ पड़ चुकी है, मन के मलाल खुलकर सामने आ चुके हैं। चुपते शब्दों से नेताजी लाल पीले हो रहे हैं, लेकिन दावा अब भी किया जा रहा है कि इंडी गठबंधन साथ है, जबकि प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि उसूलों से समझौता नहीं, और कमलनाथ कहते हैं अरे छोड़ो अखिलेश वखिलेश की बातें। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखा दिया। नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में एक गठबंधन खड़ा हो, लेकिन उसूलों की आहुति देकर के हम गठबंधन नहीं करना चाहते। अगर कोई पार्टी कांग्रेस को धमकाना चाहती है, कोई पार्टी ये सोचती है कि उसके बिना कांग्रेस नहीं लड़ सकती है, तो हम 80 की 80 लोकसभा सीटें अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि सब साथ मिलकर लड़ें। ठीक। मगर इस
बात को कोई कांग्रेस पार्टी की कमजोरी ना समझे। पहले अजय राय और अब प्रमोद कृष्णम के बयान से साफ है कि कांग्रेस 80 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। सवाल ये है कि फिर अखिलेश किसके दम पर गठबंधन की हुंकार भर रहे हैं। वर्ष 2014 का चुनाव पार्लियामेंट का आप हारे, 17 का विधानसभा हारे, फिर 19 का लोकसभा हारे और फिर 22 का विधानसभा हारे, और जो 24 में होने जा रहा है उसमें भी हारने की संभावनाएं ज़्यादा हैं और जीतने की कम हैं। तो किस बिहाब पे आप अपने नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? दूसरी बात कहना चाहूँगा कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। वैसे भी 2019 के नतीजे देखे तो एनडीए गठबंधन ने 62 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ एक सीट ही जीत पाई थी। बीएसपी 10 और एसपी के खाते में परिवार समेत सिर्फ 5 सीटें गई थी। यानी मोदी लहर में कांग्रेस से लेकर एसपी तक सब साफ हो गए, लेकिन दम भर रहे हैं 80 में से 80 सीटों पर लड़ने का। यानी इंडी गठबंधन का अनौपचारिक दी इंड हो चुका है। देखना होगा कि चुनाव से ठीक पहले क्या सियासी समीकरण बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सीतापुर जेल में बंद आजम खां इन दिनों परेशान और बेचैन है। बेचैनी की तो कई वजह है, लेकिन परेशानी की सबसे बड़ी वजह है अपनों की बेरुखी। सूत्रों की माने तो अब तक जेल में उनसे सपा नेताओं ने कोई मुलाकात नहीं की। सवाल उठता है कि क्या मुश्किल बेला में पार्टी ने किला छोड़ दिया है? क्या यही आजम की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है? सूत्रों के मुताबिक एसपी का कोई भी नेता अभी तक आजम खां से मुलाकात करने के लिए नहीं गया। लोग सवाल ये कर रहे हैं कि क्या पार्टी यानी कि सपा ने भी आजम से दूरी बना ली है? वहीं पर दूसरी तरफ आजम खां को तन्हाई बैरक में रखा गया है, जहां पर मच्छर और कैदियों से आजम काफी परेशान है। वहीं आजम खां के टेंशन की एक और बड़ी वजह है बेटा अब्दुल्ला और बीवी तंजीम फातिमा, जिन्हें अलग अलग जेलों में रखा गया है। आजम फैमिली के लिए सबसे मुश्किल बेला है, लेकिन खेल देखिए, सपा यानी वो पार्टी जिसके आजम संस्थापक सदस्य हैं, उसी पार्टी ने अपने नेता को छोड़ दिया है एकदम अकेला। ऐसा हम कतई नहीं कह रहे, बल्कि हालात कह रहे हैं, क्योंकि अब तक ना तो कोई नेता मिलने पहुंचा, ना पार्टी के प्रतिनिधि। आजम बस करवट बदल बदल कर जेल में रातें काट रहे हैं। सीतापुर जेल में बंद आजम खां काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। आजम खां का जो परेशानी का सबब है वो परिवार से अलग होना है, क्योंकि आजम खां के जिन मामले में सजा हुई है उसमें उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां जो हैं हरदोई में बंद है, जबकि तंजीन फातिमा रामपुर में बंद है। ऐसे में आजम खां का परेशान होना लाजमी है, लेकिन आजम खां की परेशानी को देख कर कल उनके चिकित्सीय परीक्षण भी किया गया है। जेल के अस्पताल डॉक्टरों ने जब उनका परीक्षण किया तो वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि तो आजम खां परिवार से होने पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। आजम खां के खाने की बात की जाए तो कल आजम खां ने जो कैदियों को मिलने वाला भोजन है वही खाया है, सादी दाल और सब्जी के साथ रोटी भी खाई है। आजम की दिक्कत सिर्फ अकेले पड़ने की नहीं, बल्कि मच्छर और जेल की सलाखों ने भी उन्हें परेशान कर रखा है। 10x10 की कोठरी में बैठे आजम की हर रात बमुश्किल कट रही है, जबकि दूसरी तरफ है उनकी फैमिली। आजम खान सीतापुर जेल में है, अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में है, तंजीन फातिमा रामपुर जेल में है। फैमिली के तीन मेंबर तीन अलग अलग जेल में कैद हैं। वजह है सियासी चाहत में बर्थ सर्टिफिकेट का फर्जीवाड़ा, जबकि आजम खान के करीबी हैं कि अदालती फैसले पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, जो उन्हें सजा हुई है वो तो एक न्यायालय का फैसला है, और किसी को भी सजा से लगता है गलत हुई है तो अपील कर सकते हैं। जहां तक अखिलेश यादव साहब का बयान है, मैं समझता हूं आजम खान साहब के साथ या उसके अलावा मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने की एक पूरी साजिश है। पूरे मुल्क में आप देखिए किस तरह से मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करा जा रहा है, और मैं समझता हूं जो रामपुर वालों ने 40-50 साल में एक लीडर तैयार किया उसको एक साजिश के तहत ख़त्म कर दिया गया। देखिए, विरासत के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, कभी ऐसा नहीं होता है कि सियासी स्पेस खाली हो और वो खाली ही रहे। मैं समझता हूँ रामपुर की को नई लीडरशिप की जरूरत है। आजम खान के रातों की नींद उड़ चुकी है, जेल की बैरक में तन्हाई उन्हें सोने नहीं दे रहा है, और ऐशो आराम से रहने वाले आजम पूरी रात करवटे बदल रहे हैं।
लेकिन दिन के उजाले में उन्हें इंतजार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और करीबी नेताओं से मिलने का है। दरअसल आजम खान सीतापुर जेल में बंद है। सूत्रों के मुताबिक आजम को तन्हाई बैरक में रखा गया है। आजम को हाई सिक्योरिटी वाले बैरक में रखा गया है। जेल प्रशासन की तरफ से अभी काम नहीं लिया जा रहा है। आजम खान की जेल यात्रा को समाजवादी पार्टी जुल्म बता रही है और कोशिश रामपुर की उस सीट पर वापसी की है जहां अभी बीजेपी का कब्जा है। लेकिन सवाल ये है कि अपने जिस नेता के कंधे पर बंदूक रखकर रामपुर में वापसी का प्लान तैयार किया जा रहा है, सपा नेताओं ने उसी नेता से दूरी क्यों बना ली? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरें जारी हैं, बने हमारे साथ।